वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और हमारे आज की खास शख्सियत पाथवेज स्कूल के को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रभात जैन जी हमारे साथ हैं। हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको बच्चों के एक्टिविटीज़ से दिखाएंगे और क्या खास है, कितना इन्वॉल्वमेंट है उनका इस स्कूल में, इस बारे में बताएंगे। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर भी उनकी एक छाप देखने को मिलती है, कुछ बताइए सर इस बारे में। जी, जो आप देखिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग आके इम्प्रेस होते हैं और बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि हमने किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे पॉन्ड में बना रखा है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह की चीज़ का क्रिएट करेंगे। आर्ट डिपार्टमेंट में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लिया जी। जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग खुद करी। बहुत खूब, वाकई यकीन नहीं कर सकता कोई कि ये इतनी बेहतरीन डिज़ाइनिंग बच्चों ने की है। मानना पड़ेगा बच्चे उस्ताद होते हैं। और यहाँ पर हम प्रभात जी को छोड़ रहे हैं अपनी टीम के साथ। मैं बच्चों के बिल्डिंग में जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि बच्चों के एक्टिविटीज़ कैसे पाथवेज को ख़ास बनाती है। और आर्ट डिपार्टमेंट भी चलेंगे और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कैसे मस्ती करते हैं, क्या कुछ सीखते हैं हंसते खेलते, ये सब जानेंगे। आइए मेरे साथ। और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ टीचर्स आते हैं और शिक्षा देते हैं यहाँ के बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए। हमारे साथ अमेरिका से आए टीचर मिस्टर पीटर हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो रूबरू। टेल मी समथिंग अबाउट पाथवेज स्कूल एंड द स्टूडेंट्स व्हम यू आर टीचिंग। हाउ इज द एक्सपीरियंस? द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इज पाथवेज गिविंग अ बैलेंस्ड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, where there's a good emphasis on their overall development of body, mind, and social relationships and so forth, while at the same time being able to bring about a very high level of academic achievement in these students. इंटरेस्टिंग डीटी यानी कि डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कुछ खास करते हैं बच्चे जो अपने आप में अनोखा होता है, आइए देखते हैं। स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन एक फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे करिकुलम में तो ये है ही, लेकिन उसके अलावा जैसे ये स्कूल डे और रेजिडेंशियल स्कूल दोनों हैं, तो हमने एलैबोरेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का यहाँ पे एक प्रबंध किया हुआ है जो दिन में भी और रात में भी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, चलते चलते हमें ये बताइए कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोज हु आर ड्रीमिंग टू बिकम लाइक यू, लास्ट वर्ड्स फॉर यू, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हम अपने हमारे एग्जाम्पल से बात करें तो वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की कोर कॉम्पिटेंस होती है टू क्रिएट एन एंटरप्राइज,
आप एक विजन कीजिए, आपको क्या करना है उसके बारे में रिसर्च कीजिए, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट रिसोर्सेज एंड टू क्रिएट दैट एंटरप्राइज। कन्विक्शन और परसिवियरेंस और हार्ड वर्क, ये तीन चीज़ उसके मूल मंत्र हैं। आप तीनों करें तो भगवान हमेशा आपको सफलता देंगे। बिल्कुल, इसी बात के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं, इस आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि पाथवेज हमेशा रास्ता दिखाए, एक लाइटिंग पाथ दिखाए आपके स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी को कुछ दे, समाज को कुछ दे, और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और ख़ास तौर पर जो नवयुवक देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी उत्साह से लबरेज होंगे। इसी के साथ आज बस इतना ही, अगली बार किसी ऐसी शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए रूबरू।